स्टूडेंट्स, सीबीएसई और 10 और 12 के बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पे कॉपी चेकिंग और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे दोस्तों काफी सारी चीजें दोस्तों नई चीजें निकल के सामने आई है, जो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको खुश करेगा एक खबर, तो दूसरा खबर दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा दोस्तों निराश कर देगा, क्योंकि अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों ही दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपने दोस्तों अपने तरफ से सभी बच्चों ने बेस्ट पेपर किया है, यानी कि सभी बच्चे दोस्तों आपको जो करना था आपने तो कर दिया है, आपकी कॉपी चेकिंग कंटिन्यूली चल रही है दोस्तों। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर जो है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर रखा है कि मैथ की कॉपी चेकिंग लगातार चली जा रही है अलग अलग सेंटरों पर, कहीं पर बेसिक की कॉपी चेकिंग चल रही है तो कहीं पर मैथ स्टैंडर्ड की कॉपी चेकिंग चल रही है। दोस्तों बच्चों की पासिंग परसेंटेज को लेकर बात करें तो दोस्तों यहां पर 95% दोस्तों यहां पर मैथ में बच्चे पास हो रहे हैं। अब 95% दोस्तों यहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे जो 5% है, इनमें से 5% में दोस्तों एक बच्चे यहां पर जो है, यानी 1 से 2% बच्चों को दोस्तों कंपार्टमेंट मिल रही है, और 1 से 2% बच्चों को दोस्तों यहां पे ग्रेस मार्क्स देकर दोस्तों पास किया जा रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है 95% क्लियर बच्चे पास हो रहे हैं, जो अपने आप में दोस्तों एक अच्छा रिकॉर्ड है, जो आपको बिल्कुल भी दोस्तों डरना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ पास होना ही सबसे बड़ी बात है? अगर आपको ये लगता है कि पास हो गया तो बहुत ही बड़ी मेरे लिए अच्छी अचीवमेंट है, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे भूल में हैं। अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए या फिर जो है आपको अच्छे स्ट्रीम चाहिए अच्छे स्कूल में, तो दोस्तों आपको परसेंटेज भी चाहिए होगा। एक रिपोर्ट जारी हुई है सबसे बड़ी, और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बैड न्यूज होने वाला है। इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे बैड न्यूज से, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पे दोस्तों काफी सारी नई अपडेट निकल के सामने आई है, तो वो चीजें भी दोस्तों आप लोग को जानना बेहद जरूरी होने वाला है। तो एक एक करके जल्दी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देश भर में जो है आपकी कॉपी चेकिंग अभी चलने लग रही है, जिसमें लेटेस्टली बात करें तो अभी लेटेस्ट में जो कॉपी चेकिंग चल रही है, किसी सेंटर पे क्लास 10 के बच्चों की मैथ की चल रही है बेसिक वाली, तो किसी सेंटर पे स्टैंडर्ड वाली चल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो मैथमेटिक्स की कॉपी चेकिंग चल रही है, ये आपको दोस्तों ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है कॉपी चेकिंग को लेकर, यानी कि कैसा परफॉर्मेंस जो है बच्चे यहां पर दिखा रहे हैं कॉपी चेकिंग में। पास को लेकर तो आप लोग मत पूछिए, क्योंकि पासिंग को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे दोस्तों यहां पर 95% दोस्तों बच्चे क्लियरली पास हो रहे हैं, उनमें 1-2% बच्चे यहां पे ग्रेस वाले हैं जिनको ग्रेस से पास किया जा रहा है, और 2-3 बच्चे यहां पे दोस्तों 1 से 2% में बच्चे दोस्तों यहां पर होंगे जो कंपार्टमेंट में प्लेस हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर में लिखा नहीं है। अब जिन्होंने नहीं लिखा है दोस्तों, वो एग्जामिनर साफ साफ कहते हैं कि जिन्होंने पेपर में नहीं लिखा है हम उसको चाहकर भी पास नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड दोस्तों ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन दोस्तों उन्हीं बच्चों पर लगा सकती है जो दोस्तों जिन्होंने पेपर में एटलीस्ट कुछ लिख के आए होंगे, या जो क्वेश्चंस को उन्होंने यहां पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। हम दोस्तों यहां पे आते हैं, एक नई रिपोर्ट आप लोग की जारी कर दी गई है, यानी कि बच्चे पास हो रहे हैं, ये दोस्तों आपको पता है, ये चीजें एक अच्छी खबर है बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों सिर्फ पास होना ही बड़ी बात है? अगर आप सोच रहे हैं कि पास हो गया तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, तो दोस्तों आपको जो है आधा सोच रहे हैं, आपको पूरा सोचना पड़ेगा मेरे साथ साथ। देखिए दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, जो अभी लेटेस्ट जो है देश भर में जो कॉपी चेकिंग चल रही है और किस तरीके से अभी कॉपी चेकिंग जो चलने लग रही है, उसमें कितने बच्चे दोस्तों यहां पर अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं मार्क्स, और कितने बच्चे दोस्तों यहां पे केवल पास हो पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग यहां पे दोस्तों पढ़ पाएंगे, तो यहां पे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं दोस्तों देश भर में जो कॉपी चेकिंग चल रही है, सभी सेंटरों को लेकर नहीं कहा जा रहा है, कुछ दोस्तों यहां पे जो है सेंटर पे इस चीजें निकल के सामने आ रही है, ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है। और ये दोस्तों यहां पर जो है बताया इसलिए जा रहा है, इस बार दोस्तों रिपोर्ट जारी करने की नौबत इसलिए आ गई, क्योंकि दोस्तों ये जो है पहले जो होते थे, पहले बहुत ही कम सेंटर जो है यहां पर ऐसे होते थे जहां पर रिजल्ट जो है बच्चों का डाउन होता था, लेकिन इस बार काफी सारे ऐसे सेंटर दोस्तों आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर दोस्तों बच्चों की जो कॉपी चेकिंग चल रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। बच्चे पास हो रहे हैं लेकिन अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये दोस्तों एक बैड न्यूज है, यानी कि एक बैड न्यूज भी है दोस्तों। यहां पर बैड न्यूज ये है दोस्तों कि आप लोग जो है नंबर तो ला पा रहे हैं, यानी बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नंबर जो है बच्चे इस बार स्कोर कम करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों टीचर्स जो है इसके पीछे काफी सारे रीजंस दे रहे हैं, जैसे कि कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि कोविड का जो है कोई रीजन हो सकता है, बच्चों की कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए जो है बच्चे यहां पे कम स्कोर कर रहे हैं। रीजन कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको इस बार यह भी जानना चाहिए दोस्तों, फाइनली दोस्तों ये रिपोर्ट जो है सबसे बड़ा गवाह है। आप लोग यहां पे साफ साफ दोस्तों पढ़ भी पाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड अपडेट पे, तो सेकंड अपडेट भी दोस्तों यहां पर जो है आप लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग निकल के सामने आ रहा है। अगर दोस्तों आप 10 और 12 के
स्टूडेंट्स हैं और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों देश भर में अलग अलग मीडिया ये क्लेम कर रही है, जैसे ऑलरेडी आप सभी बच्चों को ये मालूम पड़ गया होगा कि आप लोग का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे जो लाइकली है वो आप लोग का अप्रैल के एंड यानी कि और साथ ही साथ जो है मई के फर्स्ट वीक से पहले जो है आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों इसमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसे जगह है दोस्तों देश भर के, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे दोस्तों कॉपी चेकिंग की रफ्तार जो है थोड़ी सी वहां पे दोस्तों स्लो चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे एजुकेशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि अगर जो है 15 अप्रैल तक जो है जो टारगेट रखा गया है कॉपी चेकिंग करने में, अगर ये टारगेट जो है इन राज्यों की वजह से अगर 15 तारीख तक नहीं हो पाता है तो बच्चों को जो है यहाँ पे फर्स्ट वीक के बजाय जो है मई के यहाँ पे सेकेंड वीक तक भी जो है वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भरोसा दिला रही है कि बच्चों को जो है और ज्यादा वेट नहीं कराया जाएगा, हमारा जो टारगेट है वो 15 अप्रैल जो है कॉपी चेकिंग खत्म करने का है। तो है तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर जो है यहां पे कॉपी चेकिंग जो है अगर और भी ज्यादा 15 से जो है अगर 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल तक खींचता है तो दोस्तों जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा दोस्तों आपको और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। अगर 15 के बजाय जो है यहां पे 20 अप्रैल को कॉपी चेकिंग खत्म होती है तो 5 दिन आपको रिजल्ट के लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां पे कॉपी चेकिंग पे काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही है। फिलहाल दोस्तों रिजल्ट को लेकर आपको क्या लगता है, बेसिक बोर्ड के दोस्तों सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को लेकर दोस्तों आगे जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके से देखने को मिलता रहता है। तो आगे कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों आपके सारी चीजों पे हम लगातार बने हुए हैं, जैसी दोस्तों कॉपी चेकिंग को लेकर पास और फेल को लेकर जो भी खबरें आ रही है उसको लेकर दोस्तों काफी सारे टीचर्स से हम कॉन्टेक्ट में हैं। दोस्तों जैसे ही कुछ और नई चीजें आएगी तो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।